ओके गाइस, आज का से वीडियो पर लेकर आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज का से वीडियो के प्रीव्यू में जो आप लोगों के लिए एक रील्स वीडियो देखा है MC10 का बस्ती का हस्ती रील्स वीडियो। इस प्रकार से रील्स वीडियो देखकर अगर आपको भी पसंद आया, आप भी क्रिएट करना चाहते हो तो प्लीज इसे वीडियो को कम्प्लीट देखो। तो चलिए बिना किसी देर करके आज का से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। उसके बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तभी आप लोगों को नीचे में प्लस आइकन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो। ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो। फिर आप चले जाएंगे आपकी मोबाइल की गैलरी पर। वहाँ पर आप लोग वीडियो एंड फोटो सेक्शन दोनों ही रहेगा। आप लोग वीडियो सेक्शन से एक वीडियो को चूज करना होगा। उसी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस वाला वीडियो को चूज करके नीचे हर ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसी वाला वीडियो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, 7.25 सेकंड पर आप लोगों को इसी वीडियो के लिए में आप लोगों को 7.25 सेकंड पर यहाँ पर आकर आप लोगों को यहाँ तक रुकना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हस्ती बोल के एक लिखा देखने को मिलेगा। उसके ऊपर इस प्रकार से लेयर के ऊपर क्लिक करके नीचे स्पिल्ट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इसी एक ही आप लोगों को इस वाला लेयर को आप लोगों दो पार्ट पर डिवाइड करना होगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे में आप लोगों को थोड़ा स्लाइड करना होगा। स्लाइड करके लास्ट पर आना, वहाँ पर आप लोगों को फॉरवर्ड मिलेगा लास्ट ऑप्शन पर, उसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, जो अपने पहले लेयर यहाँ पर ब्लैक वाला जो लेयर देखने को मिलता है, जो फॉरवर्ड किया वो वाला नहीं, उसके नीचे में जो आप लोग लास्ट जो आपने एक लेयर को पार्ट किया था डिवाइड करके स्पिल करके जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से रिप्लेस वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करेंगे ना, यहाँ से आप लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ से आप लोग वीडियो सेशन से फोटो सेशन पर जाकर आप वहाँ पर आप लोगों को जो फोटो से आप लोग इस प्रकार से जिस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं उसी फोटो को चूज कर लेना। फिलहाल मैं MC10 का फोटो को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या करूँगा, अगर आप लोगों को MC10 का फोटो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को ये वाला फोटो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसी नीचे जो MC10 का फोटो को लिया है उसके साथ एक प्लस आइकन मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है ना, MC10 का फोटो के साथ प्लस आइकन, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से थोड़ा स्लाइड करके शेक वन बॉल का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद ऊपर में जो फॉरवर्ड किया था उसी वाला लेयर के ऊपर क्लिक करो। फिर यहाँ से मोशन मिलेगा रिप्लेस के सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन रिप्लेस के बाद ही मिलेगा आप लोगों को सेकंड ऑप्शन में मोशन, उसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, मोशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, जो सेकंड ऑप्शन पर आता है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इन एनिमेशन से फेड को चूज करना होगा। उसके बाद इसका ड्यूरेशन को एकदम डिक्रीज कर देना होगा 0। उसके बाद आप लोगों को लोप एनिमेशन पर आ जाना होगा। यहाँ से आप लोग इन एनिमेशन का काम हो चुका है, अभी लोप एनिमेशन पर आकर यहाँ पर ब्रीथ चूज करना। ठीक है, लोप एनिमेशन आकर क्या चूज करना, लोप एनिमेशन पर आकर यहाँ पर क्या चूज करना, आप लोग ब्रीथ, आउट एनिमेशन कोई जरूरत नहीं है, लोप एनिमेशन आकर ब्रीथ ही वाला चूज करके टिक कर देना। ओके, जैसे यहाँ पर टिक करेंगे यहाँ पर आपका जो मोशन है वो लग चुका है अच्छी तरीके से। ओके, उसके बाद टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, लास्ट पर आना होगा। ऐसे ही आप लोगों को VN एप्लीकेशन का वाटरमार्क देखने को मिलता है, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना। ओके, डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सॉन्ग नहीं लगा हुआ है। ओके, सॉन्ग ऐड करने के लिए ऊपर सॉन्ग का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से म्यूजिक वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। फिर यहाँ से आप लोगों को बस्ती का हस्ती वाला जो सॉन्ग है वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसी लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना होगा, उसी म्यूजिक को जहाँ पर चूज ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना, सबसे पहले ऑप्शन पर ही मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अगर वॉल्यूम को जितना रखना चाहते हो आपकी मर्जी से रख लेना। फिर यहाँ से नीचे म्यूजिक बीट्स ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 3 बीट्स यहाँ पर आप लोगों को गिराना होगा। ओके, 3 बीट्स लगाना होगा, यहाँ पर 3 बीट्स लगाना होगा। उसके लिए आप लोगों को मैं टाइमिंग आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अभी अभी बता देता हूँ, सब कुछ मैं लाइव आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक लगाना होगा। सबसे पहले वाला बीट आप लोग लगाना 7.23 पर लगा के यहाँ पर रेड फ्लैग मिलेगा नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर देना 7.23 पर आके। उसके बाद आना 10.63। ओके, 10.63 पर मैं फिलहाल आ चुका हूँ। उसके बाद नीचे रेड फ्लैग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्लिक करते रहना। ओके, यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से क्लिक करते रहना। ठीक है, मैं जैसे जैसे टाइमिंग बता रहा हूँ सेम प्रोसेसिंग से आप लोग टाइमिंग को फॉलो करके आप लोग इस प्रकार से बीट को लगा लेना। ओके, इस प्रकार से आप लोग बीट को लगा लेना। जैसे जैसे मैं टाइमिंग बता रहा हूँ थोड़ा गलती से हो रहा है, इस प्रकार से मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा से लगा देता हूँ। ओके, इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से 10.63 पर आकर ये वाला सेकंड बीट को लगा दे। उसके बाद थर्ड बीट लगाऊंगा 14.01। ओके, 14.01
इसको लगा के टिक कर देना, टिक करके दोबारा से टिक कर देना। बस यहाँ पर 3 बीट लग चुका है, 3 ही बीट लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो आपने MC10 का जो फोटो को लिया था रिप्लेस करके, यहाँ पर आप लोग 20-20 पर आकर ना यहाँ पर क्या करना होगा, स्पीड करना होगा, 3 पार्ट पर स्पीड करना होगा। ठीक, तो चलिए मैं स्पीड कर देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ तक मैं स्पीड कर देता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट हो चुका है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना होगा, लास्ट पर आना होगा। लास्ट पर आकर यहाँ पर आप लोगों को FX ऑप्शन मिलेगा नीचे में ही, थोड़ा स्लाइड करेंगे तो ठीक है, FX के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, थोड़ा सेट करना होगा या देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो FX ऑप्शन के ऊपर आप लोग जस्ट क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे में यहाँ पर इस प्रकार से स्लाइड करना, स्लाइड करके यहाँ पर नीचे में आप लोगों को थोड़ा स्लाइड करना होगा। जैसे स्लाइड करेंगे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड बोल के, उसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा इसको थोड़ा आगे लेकर आना, क्योंकि इस प्रकार से थोड़ा आगे इसको लेकर आना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आकर इस प्रकार से थोड़ा इंक्रीज करके टिक कर देना। ओके, थोड़ा इंक्रीज करना, थोड़ा इंक्रीज करके टिक कर देना, ज़्यादा इंक्रीज मत करना। उसके बाद ए वाला पार्ट हो चुका है, और ए वाला नेक्स्ट इसका आगे वाला पार्ट को मैं क्लिक करके FX के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ से थोड़ा स्लाइड कर आना, यहाँ पर इसको आगे लेकर आना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चूज़ करना होगा, यहाँ पर आप लोग चूज़ करना होगा जिटर डाउन, जिटर डाउन चूज़ करके इस प्रकार से इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके टिक कर देना। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा जैसे टिक इंक्रीज करके टिक करेंगे ना, तो उसके बाद वाला आगे वाला लेयर के ऊपर क्लिक करके, पार्ट वाला लेयर के ऊपर क्लिक करके FX के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इसके वाला FX क्या लगाना होगा, यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा आगे लेकर आना इसको। ठीक है, इस लेयर को थोड़ा आगे लेकर आना, स्लाइड राइट बोल के ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ओके, आपकी मर्जी से आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज मत इंक्रीज कर देना, ज़्यादा इंक्रीज मत करना, थोड़ा ही करना, ज़्यादा इंक्रीज मत करना। ओके, थोड़ा सा कर देना। ओके, थोड़ा सा करने के बाद जैसे थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज यहाँ पर करेंगे उसके बाद टिक कर देना। ठीक है, और एक काम यहाँ पर बाकी है, रह गया दोस्तों, जो आपने फॉरवर्ड किया था ना उसे फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको ना आप लोग यहाँ से आप लोग इसको फिल कर देना। ठीक है, फिल अगर नहीं होता है तो इस प्रकार से इसको खींचकर, इसको खींचकर इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से इसको खींचकर जूम कर देना। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से फिल नहीं हो पाता है, उसके बाद नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्क्रीन बोल का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके टिक कर देना। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से हो चुका है ना ब्लेंड। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, एक वीडियो लेयर लेना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ऊपर से आप लोगों को थर्ड ऑप्शन टैप टू स्टिकर वाला ऑप्शन के ऊपर प्लस आइकन मिलेगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर से थर्ड ऑप्शन के ऊपर, फिर यहाँ से आप लोगों को वीडियो एंड फोटो स्टिकर मिलेगा ऑप्शन, वहाँ से आप लोग वीडियो फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, वीडियो फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को वीडियो सेक्शन से आप लोगों एक वीडियो को चूज करना होगा, उसी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसी वीडियो को चूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ से आप लोग उसी वीडियो को चूज कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं उसी वीडियो को चूज कर लेता हूँ। सबसे पहले चूज करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को चूज़ करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लगा। ठीक है, प्रोसेसिंग बीच में एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए आए हो, अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस प्रकार से न्यू ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम बोलो, जो भी आप लोगों को स्टेटस बोलो, रील्स वीडियो बोलो, सबका एडिटिंग ट्यूटोरियल इस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो से अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, करना मत भूलना। ओके, यानी इस वीडियो को पढ़ो जितना बार आपके दोस्तों के पास शेयर करते रहना था। तो थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग होने के बीच में मैं एक बात बताया था, उसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ, अगर आपने बोर हुआ है तो प्लीज़ बोर मत होना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट जैसे हो गया, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो लेयर है वो आ चुका है। उसके बाद इसको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इसको डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद पहले लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको आप लोग वीडियो के लास्ट तक खींच कर लाना होगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट तक जैसे आप लोग इसको खींच कर लाएंगे, उसके बाद नीचे वाला आप लेयर को इस प्रकार से डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद पहले वाला जो लेयर है, जो लेयर लिया था हमने, ठीक है, उसी लेयर के ऊपर इस प्रकार से आप लोग क्लिक करना, एक सेकेंड, इस प्रकार से क्लिक करना, क्लिक करके इसको जूम कर देना। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर में लाकर इसको इस प्रकार से जूम करना। जूम करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना होगा, जैसे फुल स्क्रीन कर देंगे नीचे में ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको भी स्क्रीन अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग इस प्रकार से जूम करके फुल स्क्रीन कर देंगे, वहाँ पर आप लोग ब्लेंडिंग पर क्लिक करके इसको आप लोग स्क्रीन करके टिक कर देना। ठीक है, तो स्क्रीन करके जैसे ही टिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो बनकर आ चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, और एक बात बताना चाहूँगा, ऊपर में जो ओरिजिनल का ऑप्शन मिलता है ना, उसके ऊपर क्लिक करके इसको आप लोग टिकटॉक वाला 9:16 वाला रेशियो को चूज़ कर लेना। फिर इसको सेव करने के लिए ऊपर एरो ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इसका रिजोल्यूशन को अगर हाई रखना चाहते तो हाई रख सकते हैं, या लो रखना चाहते लो रख सकते, अपनी मर्जी से एडजस्ट करके टिक कर देना। बस टिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से।
कुछ इस प्रकार से आपका जो वीडियो है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 0% है, जैसे 100% कंप्लीट हो जाएगा इसे वीडियो आपके मोबाइल पर सेव हो जाएगा। तो आज का वीडियो एडिटिंग इतना ही था, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।